केंद्र सरकार सरकारी सेवाओं के लिए आधार कार्ड को जरूरी बनाती जा रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक आधार कार्ड किसी पर भी थोपा नहीं जा सकता। 22 मार्च को लोकसभा में पारित एक वित्त विधेयक के अनुसार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए 1 जुलाई 2017 से आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है। UGC ने भी सभी विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं को निर्देश दिया है कि डिग्री और सर्टिफिकेट में सुरक्षा विशेषताएं होने के अलावा छात्रों के फोटोग्राफ और आधार कार्ड नंबर जैसे पहचान प्रणाली शुरू करें। इससे पहले सरकार ने मिड डे मील स्कीम, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, LPG सब्सिडी और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लिए भी आधार कार्ड को अनिवार्य किया था। सरकार के अनुसार इससे कल्याण योजनाएं केवल उन्हीं लोगों तक पहुंचेंगी जिन्हें वाकई में इसकी जरूरत है और करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। UIDAI संस्था के अनुसार आधार कार्ड की सेवा करीब 112 करोड़ लोगों तक पहुंच चुकी है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2015 में निर्देश दिया था कि केंद्र सरकार किसी भी सेवा के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं बना सकती। साथ ही अदालत ने ये तय करने के लिए कि निजता एक मूलभूत अधिकार है या नहीं, इस मुद्दे को एक बड़ी बेंच को भेज दिया था। मामला अदालत में है। सितंबर 2016 में भी सुप्रीम कोर्ट ने आधार से जुड़े एक मामले में अक्टूबर 2015 के अपने निर्देश का हवाला दिया था। नमिता सिंह, गो न्यूज़।